पद्मावती जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर? सर कंट्रोवर्सी देखिए जो अपना करणी सेना है उनकी वजह से है। अब मैंने तो फिल्म अभी तक देखा भी नहीं है, ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बट फिल्म रिलीज होनी चाहिए, बैन नहीं होनी चाहिए। इन्वेस्टर का पैसा लगा होता है, इतनी मेहनत की है उन्होंने संजय लीला भंसाली जी ने, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम, फिल्म रिलीज होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह सर उनका तो कोई गलती ही नहीं है, एक्टर का तो और डायरेक्टर का भी, उनका भी कोई गलती नहीं है, फिल्म रिलीज होनी चाहिए बाय हुक एंड बाय क्रूक। लेकिन जिस तरह से खबर आ रही थी कि इसमें हिंदुओं के धर्मों के बारे में गलत तरीके से दिखाया है, कहानी को छेड़छाड़ किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या फिल्म मेकर को इस तरह से करना चाहिए? नहीं देखिए, न्यूज़ चैनल के दो बड़े हेड हैं जिन्होंने फिल्म देखी है, जैसा कि मैंने न्यूज़ कवरेज में सुना था, और उनका कहना है कि फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो कि हमारे हिंदुज़्म या किसी भी धर्म के खिलाफ हो, उसमें कोई चीज़ हो। लेकिन आपको लगता है सेंसर बोर्ड ने अभी तक सेंसर नहीं किया और पहले ही ये कोई पीआर वर्क चल रहा है, पत्रकार को दिखा दिया, यूके में सेंसर बोर्ड की सर्टिफिकेशन मिल गया है फिल्म, हाँ तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? यूके में सर्टिफिकेशन मिल जाता है और ये यहाँ पर ये लोग अप्लाई नहीं करते, और अप्लाई करते तो इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट भेजते। सर देखिए जो सेंसर बोर्ड है उनका एक प्रोसीजर है, उसमें एक ऑनलाइन, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि संजय लीला भंसाली ये सब पीआर है, ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, कोई फिल्म को भेजने के लिए नो कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, और सेंसर का एक अपना रूल है और वो अपने हिसाब से सेंसर बोर्ड काम करता है, उनकी गाइडलाइंस होती है 40 डेज की, तो देन अकॉर्डिंग टू द सेंसर बोर्ड आवर वर्क टू। थैंक यू सो मच। क्या लगता है पद्मावती को रिलीज होना चाहिए? रिलीज होना चाहिए, गलत है बैन करना। तो आपको लगता है जिस तरह कॉन्ट्रोवर्सी हो रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो राजपूती समाज पता नहीं क्या चाहता है, बट रिलीज होना चाहिए क्योंकि आर्ट को आप रोक नहीं सकते इसे। लेकिन जिस तरह दीपिका के बारे में बोला जा रहा है, धमकी दी जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसके धमकी दी जा रही है, 5 करोड़ 10 करोड़ उनको मारने की धमकी दी जा रही है और गवर्नमेंट उस पर कुछ एक्शन नहीं ले रहा, आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो सब मीडिया का ही हाइप है एक्चुअली, तो ऐसा कुछ इतना कुछ नहीं है, पहले पास्ट में भी काफ़ी मूवीज रिलीज हुई है ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे, बट वो सब आपको लगता है इससे हिंदू धर्म को ठेस पहुँचेगी एक फिल्म के वजह से? बिल्कुल नहीं पहुँचेगी ऐसा, धर्म को कैसे ठेस पहुँचेगी मूवी से, क्या मुझे नहीं लगता। चल रही है तो बैन कहाँ पे करने की बात चल रही है, मतलब पूरे इंडिया में प्रचार होने देंगे तो आपको क्या लगता है? वीडियो ले रहे हो कि ऑडियो ले रहे हो? बोलो क्या कहना चाहेंगे पद्मावती के बारे में कि विवादों में आ गई है मूवी? तो विवादों में आ गई है, देखिए डायरेक्टर हैं, नामचीन डायरेक्टर हैं, ठीक है, और दीपिका पादुकोण हैं, टैलेंटेड एक्टर्स हैं, तो मेरे हिसाब से जो है ये सब बैन लगना सब बेकार की चीज़ें हैं, ठीक है, और लोग इतना मेहनत करते हैं, पूरी यूनिट मेहनत करती है, एक्ट्रेस मेहनत करते हैं, इतने सालों से जो है इन चीज़ों पे काम चलता है, ठीक है, इतना सारा पैसा लगता है, तो शायद आई थिंक बैन का कुछ लॉजिक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इस तरह से करनी सेना कह रही है, धमकी है 50 लाख की 60 लाख की करोड़ों की धमकी जा रही है, तो उसके बारे में वो सर धमकी का क्या है? धमकी तो पहले से दी जाती है इंडस्ट्री में, बहुत पहले से धमकी दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें रिलीज होती हैं ना, रुकता तो कुछ भी नहीं है। लेकिन करनी सेना का कहना है कि डिस्टॉर्ट किया हिस्ट्री को, गलत तरीके से दिखाया गया है, वो देखो थोड़ा सा मतलब जो है थोड़ा सा मसाला अगर नहीं होगा फिल्म के अंदर तो फिर कौन देखने के लिए जाएगा, है ना, थोड़ा बहुत तो देखने के लिए इंसान जाएगा ही, तो मसाला होना बहुत जरूरी है। जो दीपिका को धमकी दी है 5 करोड़ की, क्या दीपिका को क्या धमकी दी है 5 करोड़ की? उनकी मौत, अरे ये सब धमकी बहुत छोटी सी चीज़ें हैं, ये धमकी तो शुरू से जो है चलती आ रही है, ये सिलसिला चलता रहेगा और कोई धमकी का कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं। नहीं हाँ, ये जो धमकी की बात अभी आप कर रहे हैं ना, बॉम्बे पिक्चर जब रिलीज हुई थी मनीषा कोरेला को ये धमकी दी गई थी कि हम आपको 2 दिन से ज़्यादा जीने नहीं देंगे। मनीषा कोरेला आज भी जिंदा है, आज भी काम कर रही है, इंडस्ट्री में वापस आई हैं, बल्कि मौत को डिफीट करके मैं कहता हूँ आई हैं। हम इतना जानते हैं स्टार्स हैं, वो दुनिया को कुछ अच्छी चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको इससे क्या है। और रही बात जहाँ हिस्ट्री को थोड़ा बहुत मरोड़ के तोड़ के दिखाया जाता है, तो कौन पूरा सच दिखाता है? पूरा सच तो कोई भी नहीं दिखाता। हम ये कहते हैं उस चीज़ को देखिए जो सच है, जितना सच है उसको एंजॉय कीजिए और बाकी सब चीज़ों पे ना ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं राजपूत नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि पद्मावती का जो हिस्ट्री है वो मैंने पढ़ी हुई है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो पद्मावती फिल्म जो राजपूत लोग मांग कर रहे हैं मैं उसे समर्थन करता हूं। अगर उसमें गलत सीन दिए है तो उसे काटना ही पड़ेगा, नहीं तो वो रिलीज नहीं होगी, हम लोग भी इसको रिलीज नहीं होने देंगे। ये मध्य प्रदेश का चैनल IBC24 MP का ही है, क्या okay. मैसेज देना चाहेंगे आप MP वालों को? MP वालों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि पद्मावती में जो गलत सीन है अगर वो सही नहीं करे जाते हैं तो आप मध्य प्रदेश वाले पूरा साथ दें। लेकिन संजय लीला भंसाली ने ऑलरेडी कह दिया है कि
कोई सीन नहीं है और कुछ गलत तरीके से नहीं दिखाया उसके बावजूद तो जो लोगों की मांग है जो जो राजपूत समाज के लोगों की कुछ खास लोगों की मांग है उसको दिखाए खत्म करें ना अगर वो उनके कहने से क्या होता है ऐसे लेकिन हर कोई उठकर नहीं हर कोई उठ के बात नहीं हो रहा है जो जो स्पेशली करणी सेना इसका विरोध कर रही है राजपूत समाज जो जो कुछ खास लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं जो किसी संगठन से हैं उनके मेन लोगों को आपको दिखाना चाहिए नहीं नहीं कलाकारी कोई गलती नहीं मैं खुद एक कलाकार हूँ इसलिए एक्टर की कोई गलती नहीं है ना वो गलत बात है आप डायरेक्ट एक्टर को या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को धमकी नहीं दे सकते वो आप गलत दे रहे हैं लेकिन हाँ आप विरोध जो कर रहे हैं शांतिपूर्वक विरोध को कर सकते हैं लेकिन सेंसर बोर्ड के लिए तो सर्टिफिकेशन नहीं हुआ अभी तक और उसके बावजूद दूसरों को दिखाना कि सही है because you are also actor and what do you think about because the censor board is a statutory body what do you think about that ये वो बात सही है आपकी लेकिन देखो क्या है ना कि कहीं भी आप धर्म या किसी जातिगत विशेष या किसी को अगर आप किसी को टारगेट करते हैं या उसको हर्ट करते हैं उसके जातिगत चीज़ों को लेके या उसके धर्म को लेके तो वो गलत है चाहे वो कोई भी धर्म हो या कोई भी हो थैंक यू बट दिस इज डेमोक्रेसी मतलब लाइक लोगों को लगता है कि सिर्फ ना कि यहाँ पे बोलने का अधिकार है अपनी चीज़ों को क्योंकि कंट्री है ना ये हिटलर वाली चीज़ आ गई है क्योंकि यहाँ पे जो चाहे शिवसेना आए करनी सेना आए और दे रिएक्ट लाइक इडियोटिक पीपल तो इन लोगों को है ना सबसे पहले तो इन लोगों को दो तीन चांटे मारने चाहिए और ये ना अगर इतनी प्रॉब्लम है ना सिनेमा से तो थिंग इज दिस यहाँ पे नुक्कड़ नाटक का वो शुरू कर देना चाहिए कि हर नुक्कड़ पे सिर्फ नाटक हो कि ये इसी लायक है क्योंकि इंडिया में सिनेमा की जगह ही नहीं होनी चाहिए अगर इंडियन लोग ऐसा इडियट्स की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि दे आर क्रिएटिव और अगर किसी चीज़ को कोई किसी कल्पनाओं को सिनेमा पे निकालना ही मूवी होता है तो अगर कल्पना को ही सिनेमा पे निकालने में और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ों वाली बात है कि कभी कभी आंखों देखा भी गलत हो जाता है तो कानों सुने पे तो लोगों को यकीन ही करना चाहिए जो मूवी देखी नहीं उसके बारे में एक वाहियात सी अनप्रिडिक्टेबल राय रखना ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और बेवकूफ़ लोगों को उनकी बेवकूफ़ी के लिए सज़ा मिलनी चाहिए थिंग इज दिस थ्रेटनिंग ये तो सारे वो है कि अगर पब्लिसिटी का जरिया है कि हाँ पब्लिसिटी होगी दूसरी बात आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने अपनी मेहनत की है दीपिका ने 60 घूमर लिए हैं आई एम फ्रॉम राजस्थान आई एम फ्रॉम जयपुर आई नो व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म इज दिस डांसिंग की तो घूमर करना इतना महंगा इतना भारी लहंगा पहनना और इतनी मेहनत करना ये आर्टिस्ट लोगों ने ऐसा किया है और कहीं ना कहीं एक मूवी बनने में जितनी एक घटिया मूवी बनने और एक बढ़िया मूवी बनने में सेम मेहनत और सेम पैसा ज़्यादा पैसा लगता है तो जहाँ इतना सारा पैसा लगा है ना ये लोग बिल्कुल भी नहीं सोच रहे कि फाइनेंशियली आर्थिक स्तर पे आर्थिक तौर पे ये ठीक नहीं है कि ये मूवी का विरोध कर रहे हैं अगर कहीं पर किसी को प्रॉब्लम है तो यू शुड टॉक अबाउट इट धरने देना आग लगाना और लोगों को परेशान करना दिस इज और सबसे बड़ी बात कि जो लोग आइडल माने जाते हैं अगर वो लोग नेगेटिव थिंग्स बोलेंगे नेगेटिविटी बढ़ाएंगे तो फिर वो ज़्यादा इडियोटिक है ठीक है ऐसा होना चाहिए कि पद्मावती पिक्चर तो सबसे पहले जो भी बवाल कर रहे हैं उन लोग को देखना चाहिए कि एग्जैक्टली पिक्चर में है क्या क्योंकि उस दिन भी न्यूज़ में आ रहा था कि रणवीर कपूर और दीपिका के बीच में कोई भी एक सीन दिया नहीं है तो फिर बवाल किस बात की है सबसे पहले जो भी पिक्चर एक बार देखे और उसको उसके बारे में फिर वापस क्लियर करे कि एग्जैक्टली है क्या फिर वो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो रिलीज़ हो सकती है पिक्चर कलाकार का तो देखो उसने जो अपना काम था उसने वो करा है वो तो कोई भी कलाकार हो अगर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है इतनी बड़ी कैरेक्टर अगर पूरा करने की तो उसमें कलाकार को इस तरह की धमकी देनी नहीं चाहिए ये गलत है कलाकार में उसका बिल्कुल कोई दोष नहीं है जो भी है वो ऑलरेडी संजय लीला बंसाली ने पूरा वर्किंग करके मूवी बनाई है तो उन्होंने भी काफ़ी बार बोल चुके हैं कि इसमें पद्मावती को हमने जो भी दर्शाया गया है गलत तरीके से नहीं है पॉजिटिव है एक बार पिक्चर रिलीज हुए लोग देखे फिर लोगों का ओपिनियन क्या है वो होना चाहिए आप गुजरात से हैं कहा जा रहा है कि गुजरात में इस फिल्म को रिलीज मना कर दिया गया है गुजरात में रिलीज नहीं होने देंगे क्या कहना चाहिए नहीं निराश है अगर गुजरात में रिलीज नहीं होगा देखो ऐसा नहीं है कि गुजरात और राजस्थान या कहाँ भी हो अगर प्रॉपर एक बार मूवी रिलीज होती है रिलीज होने के बाद देखो इसमें जो भी चीज़ है पूरी पॉलिटिक्स हो रही है
एक बार लोगों का क्या ओपिनियन है रिलीज होने के बाद ही पूरा मालूम पड़ता है। तो मैं तो कहता हूँ कि मूवी रिलीज होनी चाहिए। होनी चाहिए क्योंकि एक पिक्चर के पीछे कितने लोगों की मेहनत होती है, एक डायरेक्टर की, एक एक्टर की, उन छोटे छोटे लोगों की मेहनत होती है जो अपनी रोजी रोटी इसी से चलाते हैं। बात पद्मावती की नहीं है, बात यह मेहनत की है। कौन जानता है इतिहास क्या है? कोई भी नहीं जानता। अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, पद्मावती कौन थी, आज से पहले किसी ने उसका नाम के बारे में जानकारी ली? कभी नहीं ली। जरा सी पिक्चर बनी, कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। लोगों ने कहा हम राजपूत वंश के हैं, लोग कहते हैं हम ये हैं, लोग कहते हैं वो हैं। लोग ये नहीं जानते कि एक पिक्चर को बनाने के पीछे उन लोगों का कितना मेहनत होता है, ज़बरदस्त मेहनत होता है। रात दिन खून पसीना एक करके पिक्चर बनाते हैं। जब पिक्चर बनती है तब तक कोई नहीं बोलता, पिक्चर बन जाती है सब कंट्रोवर्सी करने लगते हैं सिर्फ अपना नाम और फेम पाने के लिए। क्या कलाकार को धमकी मिलती है, क्या कहना है एक लाइन में? कलाकार को धमकी मिलती है तो कलाकार को उसकी धमकी का कोई भी नज़रअंदाज करना चाहिए, कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, उसको अपने काम से मतलब रखना चाहिए। धमकी देने वाले बेवकूफ़ लोग होते हैं और सिर्फ बेवकूफ़ी ही करते हैं। आप भी लखनऊ से हैं और जयपुर लखनऊ ये राजघराने हैं पुराने, कहा जाता है मुगलों के टाइम के, तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी गलत है, आपको क्या लगता है? नहीं, कंट्रोवर्सी गलत नहीं है। आज मैं ये कहूँगा कि इतिहास को कोई भी नहीं जानता। आज की नई जनरेशन ना नई चीज़ों को जानती है, पुरानी चीज़ों को जानती ही नहीं है। तो उस जनरेशन को सबसे पहले जानने के लिए ये जानना चाहिए कि उसके पीछे है क्या, मकसद क्या था। कोई राजा की लड़ाई हुई तो उसके पीछे मकसद क्या था? उनके पीछे कोई गलत मकसद कभी थे ही नहीं, लोगों ने उसको गलत बना लिया है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म को गलत तरीके से दिखाया है फिल्म में? एक फिल्म को धर्म से नहीं जोड़ सकते आप। अगर फिल्म को धर्म से जोड़ना होता तो सबसे पहले वो माय गॉड पे आप नज़र डालिए, पीके पे डालिए, वो तो पूरी धर्म से जुड़ी थी। उस टाइम तो इतनी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी।